हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन महेश्वरी फ्रॉम सिराज एजुकेशन पॉइंट एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अन टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट। एंड गवर्नमेंट बजट एक अच्छी खासी वेटेज रखता है ट्वेल्थ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अराउंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। और आपने रिसेंटली देखा होगा फेब्रवरी में अभी गवर्नमेंट बजट आया है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट को प्रेजेंट करा है। तो डिस्कस करते हैं बजट होता क्या है और इसको कौन इसको बजट को इशू करता है, जो भी ये बेसिकली इसके साथ डिस्कस करते हैं। तो बजट के दो पार्ट होते हैं। बजट हैव टू फॉल्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर परफॉर्मेंस ऑफ बजट। पहला जो पार्ट होता है बजट का, वो ये डिस्कस करता है कि लास्ट ईयर का जो बजट था हमारा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर बजट, व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर बजट एंड व्हाट आर द डिस्क्रिपेंसीज एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट अचीव एंड नॉट। एंड द सेकेंड पार्ट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसीज रिगार्डिंग फोर्थ कमिंग ईयर। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो बेस्ड है फोर्थ कमिंग, आने वाले साल के लिए बजट बनाया जा रहा है। आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, उसकी रिगार्डिंग बजट बनाया जाता है। आपने देखा होगा आपके फैमिली में भी घर पे कभी कभार बजट बना लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, कि हमारे कितने आने वाले खर्चे हो सकते हैं, कौन कौन सी हमारी इनकम हो सकती है। ऐसा भी हम बनाते क्यों है, इसका लॉजिक ये है ताकि हमारी फाइनेंशियल वाइबलनेस रहे, ताकि हमारा फाइनेंशियली बजट कंट्रोल में रहे। तो जो बेसिकली गवर्नमेंट होती है, वो जहां पर बात करेंगे हम आने वाले साल के लिए, फोर्थ कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। जब फोर्थ कमिंग ईयर के लिए कोई बजट बनाया जा रहा है और आने वाले साल के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज एक्चुअल तो होंगे नहीं, वो किस पे बेस्ड होंगी, वो एस्टिमेशन पे बेस्ड होंगी, एस्टिमेटेड। ऐसे बजट के अंदर हम दो चीजों को ध्यान रखते हैं, एस्टिमेटेड रिसीव्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है जब हम किसी भी आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहां पर खाली एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। और एस्टिमेशन का मतलब क्या, अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आने वाले साल में हमारे पे कहां कहां से इनकम जनरेट हो सकती है और कौन कौन से हमारे खर्चे हो सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग बजट को बनाया जाता है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट को फाइनेंशियली क्राइसिस फेस ना करना पड़े, गवर्नमेंट का बजट खराब ना हो। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन से हमारी इनकम कहां कहां से आ सकती है और कहां कहां से हमारे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, ताकि हमारी फाइनेंशियली वाइबलनेस रहे। आगे डिस्कस करते हैं, इससे पहले पहले बजट प्रेजेंट कौन करता है। इन इंडिया द फेब्रुअरी इज अ वेल नोन मंथ फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपने रिसेंटली देखा होगा अभी फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी द गवर्नमेंट अनाउंस अ बजट एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट बजट। सेम बजट आता कैसे, कैसे फॉर्म होता है, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली अ बिल इज प्रेजेंट इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जब बिल दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस से जब पास होता है, देन इट केम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन इट इज इंप्लीमेंटेड, तब उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब भाई एक और चीज, गवर्नमेंट बजट तो पढ़ रहे हैं, अब गवर्नमेंट भी हमारी दो तरीके की है, कौन सी, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी कंकरेंट और होती है। तो ये बजट किसका पढ़ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले जो हम लिए हमारा बजट है, ये खाली हम जो बजट पढ़ रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का बजट नहीं पढ़ रहे हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कि बजट फरवरी की फर्स्ट वीक में इसको प्रेजेंट कर जाता है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन इट केम टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे वो पास हो जाता है फिर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और फरवरी में करा जाता है इसको, जो बेसिकली जो हमारी जो कमीशन है, जो कौन अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी जिसको प्रेजेंट करती है, वो अथॉरिटी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। आगे डिस्कस करते हैं बजट क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि बजट के दो पार्ट होते हैं, एक पिछले लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को बताता है और एक आने वाले साल के लिए। तो मेन पार्ट है आने वाला साल, और आने वाले साल के लिए बजट की बात करते हैं। बजट क्या है, बजट एक स्टेटमेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा
कभी कभार घर वाले इस तरीके से कुछ बना लेते हैं कि कौन कौन से हमारे रिसीप्स हो सकती है, कौन कौन से हमारे खर्चे हो सकते हैं, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं और कौन कौन सी रिसीप्स हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज मेरे को यहां से इनकम आ सकती है इस महीने, यहां से इनकम आ सकती है, यहां से इनकम आ सकती है, ऐसा हम एस्टिमेशन लगाते हैं। अच्छा मेरा ये बिजनेस है, यदि इनकम यहां से आ जाएगी, रेंटल इनकम ऐसी आ जाएगी, सेम ऐसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी मेरी इनकम टोटल आ सकती है और कितने मेरे खर्चे हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। और ये स्टेटमेंट क्या है, एस्टिमेशन पे बेस्ड है, क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहां पे एस्टिमेशन होगा। तो अब गवर्नमेंट बजट की डिफाइन क्या बनती है, तो गवर्नमेंट बजट की डिफाइन बन के आती है आपकी, गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आने वाले सालों के लिए, आने वाले साल के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीप्स को रिकॉर्ड करती है, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो डिफाइन क्या बनी, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड रिसीप्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फोर्थकमिंग ईयर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के, एक आने वाले साल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड करते हैं कि मेरे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं और कौन कौन सी इनकम हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसीप्स, एक होती है एक्सपेंडिचर। रिसीप्स, एस्टिमेटेड रिसीप्स, अब गवर्नमेंट के कहां कहां से पैसा आ सकता है, कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। रिसीप्स मीन्स द कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इनकम के दो सोर्स हैं, यहां पर दो तरीके से आ सकते हैं, कैपिटल रिसीप्स। अब रिसीप्स के भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीप्स एंड रिवेन्यू रिसीप्स। सेम एज एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं हमारे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको दूसरी तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट होते हैं, एक कैपिटल बजट जिसमें हम दो चीजों को लेते हैं और एक आपका आ गया रिवेन्यू बजट जिसमें हम इन दोनों को लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं रिसीप्स साइड से हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक रिसीप्स वाइज और एक एक्सपेंडिचर वाइज, या तो फिर हम कैसे बाइफिकेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको बाइफिकेट कर सकते हैं, जैसे रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। आगे डिस्कस करते हैं, अब रिवेन्यू बजट के दो हो जाएंगे पार्ट, रिवेन्यू रिसीव्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिवेन्यू बजट। तो रिवेन्यू बजट क्या है, रिवेन्यू बजट एक ऐसा बजट है, हम कीज कीज को एनालाइज करेंगे इसमें, बाकी डिफाइन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले रिवेन्यू बजट कैसा है, रिवेन्यू बजट एक ऐसा बजट है गवर्नमेंट की जितनी भी एसेट्स है और गवर्नमेंट की जितनी भी लायबिलिटीज है, अगर इन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है, ना ही लायबिलिटी पे, तो वो कौन सा बजट का पार्ट है, रिवेन्यू बजट का। तो रिवेन्यू बजट इज अ बजट ऑफ द गवर्नमेंट विच डज नॉट कोज एनी एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू बजट। अब रिवेन्यू बजट के हम पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं रिवेन्यू बजट के अंदर रिवेन्यू रिसीव्स। रिवेन्यू रिसीव्स के, रिवेन्यू रिसीव्स गवर्नमेंट की वो रिसीव्स होती है जिससे गवर्नमेंट की ना ही एसेट्स कम हो और
ना ही लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट हो। ऐसा ना हो। तो क्या है, रेवेन्यू रिसीव्स मींस रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट विच डज नॉट रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और नॉर क्रिएट द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट रिसीव्स इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव्स। अब ये रेवेन्यू रिसीव का मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसीव का मतलब यही हो गया कि वो गवर्नमेंट के पास कहीं से भी इनकम आ रही है लेकिन उस कोई भी पैसा आ रहा है लेकिन उससे गवर्नमेंट की संपत्ति कम नहीं हो रही, ना ही उसकी देनदारी बढ़ रही है, तो ऐसे रिसीव को बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसीव। अब रेवेन्यू रिसीव के गवर्नमेंट के पास, रेवेन्यू रिसीव के गवर्नमेंट के पास दो सोर्स है रेवेन्यू रिसीव आने के, रिवेन्यू रिसीव के गवर्नमेंट के पास दो सोर्स हैं, एक है टैक्सेबल और एक है नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल रिसीव क्या होती है, अब पहले तो समझते हैं हम टैक्सेबल से पहले टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसी कंपल्सरी पेमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक बिजनेस एंटिटी को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। भी हम टैक्स क्यों पे करते हैं, टैक्स पे करने का मीन्स है कि वी आर लिव इन अ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो टैक्स गवर्नमेंट उसीलिए, गवर्नमेंट कंट्री की एक्सपेंडिचर को, जितने भी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, कंट्री की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इनकम का सोर्स जनरेट करती है जिसमें से एक टैक्स भी है। टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, ध्यान सुनिएगा, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। भैया ऑप्शनल नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा टैक्स नहीं पे करूं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, करना ही पड़ेगा, यू आर लीगली बाउंड टू पे, आप लीगली बाउंड है, कानूनी तौर पे आपको करना ही पड़ेगा। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, हमें को टैक्स एक गवर्नमेंट को पे करना कंपल्सरी है, चाहे एक इंडिविजुअल हो। भैया इंडिविजुअल का मतलब क्या है, सपोज मैं, मेरी इनकम ज्यादा है और मेरे पर टैक्स पे कर रहा हूं मैं इस पर, भैया क्या आप टैक्स पे करते हो, हाँ जी टैक्स पे करता हूं, अगर मेरी इनकम ज्यादा है मैं उस पर टैक्स पे कर रहा हूं तो वो एक इंडिविजुअल, मेरे को बोला जाएगा एक इंडिविजुअल। लेकिन भैया रिलायंस, भैया रिलायंस टैक्स पे कर रही है, रिलायंस कंपनी जो है वो एक इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ही इज ना बिजनेस एंटिटी, कंपनी की फॉर्म है वो, एक कंपनी की फॉर्म है, अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा, इंस्टीट्यूशंस, ये फर्म्स। तो क्या लिखेंगे, टैक्स क्या है, टैक्स खाली एक इंडिविजुअल, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी टैक्स पे करता है, यस एक आर्टिफिशियल पर्सन भी टैक्स पे करता है जैसे कंपनी। तो क्या लिखेंगे, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट पेड बाय, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट पेड बाय इंडिविजुअल, या तो कोई कौन पे कर, किसने पे किया है, इंडिविजुअल ने या एक फर्म ने या एक इंस्टीट्यूशन ने या एक बिजनेस एंटिटी ने। तो टैक्स तो समझ में आ गया भैया, इसका मतलब क्या है, टैक्स हमें पे करना ही पड़ता है, इसमें अर्जी नहीं है इसकी, पर टैक्स को पे करना ही पड़ेगा। अब टैक्स की दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एक बार बताएंगे आप, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स को समझते हैं एक बार। डायरेक्ट टैक्स मीन्स अ टैक्स, द इंसिडेंस ऑफ दिस टैक्स वॉज ऑन द पर्सन ऑन विच द टैक्स वॉज इम्पोज्ड। भैया क्या बोल दिया आपने, इसका मैंने बोला कि टैक्स जिस पे लगाया गया है वो ही पर्सन टैक्स को पे करेगा, उस टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट होने वाला नहीं है। ऐसे टैक्स को कौन सा टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। भैया जैसे जैसे सपोज आपकी गोविंदा भैया, उनकी इनकम सपोज सपोज 50 लाख, अब गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, देख रहे हो इनकम है तो टैक्स देना ही पड़ेगा, और टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट का स्लैब रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो इस टैक्स का बर्डन सपोज करो, एक हाइपोथेटिकली फिगर ले लेते हैं, काल्पनिक फिगर ले लेते हैं, टैक्स का अमाउंट सपोज करो 30% का स्लैब ले लेते हैं, 15 लाख रुपए टैक्स, सपोज 15 लाख रुपए गोंदा भाई को टैक्स पे करना है। अब गोंदा भाई मेरे से बोल रहे हैं कि सचिन भाई आप इस टैक्स को पे कर दो, मैंने बोला गोंदा भाई टैक्स तो आपको ही पे करना है क्योंकि इनकम आपकी और आपको ही पे करना पड़ेगा, कि ये टैक्स का बटन मेरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं, क्यों,
क्योंकि ये एक ऐसी इनकम है जिस टैक्स का बर्डन, जिस पर्सन पे टैक्स लगाया गया है, लगाया किस पे गया है, गोविंदा भैया पे, और पे कौन करेगा, गोविंदा भाई। तो ये कौन सा टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स, द बर्डन ऑफ दिस टैक्स वाज इन, द बर्डन ऑफ दिस टैक्स वाज ऑन द पर्सन ऑन व्हिच द टैक्स वाज इंपोज्ड। उस टैक्स का बर्डन जिस पे लगा, जिस टैक्स, इस टैक्स का बर्डन उस पे था जिस पे टैक्स लगाया गया था। दिस टैक्स कांट बी शिफ्ट टू अदर, इस टैक्स को किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब जिस टैक्स को भी हम शिफ्ट नहीं कर सकते, क्या वो डायरेक्ट टैक्स है? यस, डायरेक्ट टैक्स है। भैया डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं एक बार। इसमें आ जाता है आपका इनकम टैक्स। भैया इनकम टैक्स, यस, इनकम टैक्स कौन सा है, एक ऐसा टैक्स जिस पर्सन की इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है उस पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। जिस पे टैक्स लगाया गया है वो किसी और को शिफ्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, इस टैक्स का बर्डन उसी पर्सन पर रहेगा। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसी पर रहता है जिसने पर्सन ने टैक्स पे करना है, उसी पे रहेगा, क्योंकि उस पर टैक्स इम्पोज गवर्नमेंट ने करा है और इस टैक्स को बर्डन आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। ये इसका रीजन है कि ये डायरेक्ट टैक्स है। और कोई टैक्स है भैया इसका? यस, वेल्थ टैक्स। भैया वेल्थ टैक्स, जब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास वेल्थ उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट से, गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होता है, देन गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज करती है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स। तो ये टैक्स कैसे है? डायरेक्ट टैक्स। जैसे बहुत बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, उनकी जब वेल्थ इंक्रीमेंट होती है तो गवर्नमेंट उन पर एक दूसरा टैक्स लगा देती है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स। कि भैया उनको, उन पर टैक्स लगाया, कोई और पे कर देगा उनका टैक्स? नहीं, जिस पे लगाया वो ही पे करेगा, किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते। और बच्चों अब फिर आपके एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल इनकम टैक्स से रिलेटेड ही है बुक्स के अंदर। जैसे गिफ्ट टैक्स, ये गिफ्ट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ही पार्ट है गिफ्ट टैक्स। और आपका इसमें दे रखा है कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट इनकम टैक्स का ही पार्ट है। तो ये सारे कितने टैक्स, जितने भी हमने पढ़ाए, गिफ्ट टैक्स और आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, ये किसके पार्ट है? इनकम टैक्स। ये सारे के सारे डायरेक्ट है, बाकी इसको बुक में दे रखा है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है। क्योंकि बुक्स में मेंशन करा है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, और आपको इन वर्ड से फैमिलियर भी हो जाओ, इनकेस अगर एग्जाम में ये पूछ ले इनकम टैक्स की जगह तो आप कंफ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं, एक बार भैया डायरेक्ट टैक्स और बता दो। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एक बार और समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिसका बर्डन जिस पे टैक्स लगाया गया है वही टैक्स को पे करेगा, किसी और ने पे नहीं करना है, तो वो क्या है? डायरेक्ट। अब भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस टैक्स का बर्डन आगे शिफ्ट हो जाता है। और भैया आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है? आगे शिफ्ट होने का मतलब है उस पर्सन पे शिफ्ट होता है जिस पर्सन पे, जो एंड यूजर है किसी प्रोडक्ट का। जैसे भैया, जैसे सपोज, ड्राइंग थोड़ी बेकार है समझिएगा बस, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। सपोज मिस्टर ए रॉ मेटल सप्लाई, सपोज करो मिस्टर बी ने, मिस्टर बी ने रॉ मेटल परचेज करा है ए से 10,000 रुपए का, और मिस्टर बी ने ए से रॉ मेटल परचेज करा 10,000 रुपए का, और साथ में जो बिल बना तो उस पर 10% जीएसटी, सपोज करो एक ये भी जीएसटी की जो रेट ले रहा हूँ, ये भी एक इमेजिनरी ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे हमारी, 10% जीएसटी। तो इसका 10% कितना हो गया? ये हो गया 1,000 रुपये। तो इसको कितने का पड़ा? 11,000 का। ये कौन है? ये रॉ मेटल सप्लायर है, और ये कौन है? मैन्युफैक्चरर, और ये कौन है? रिटेल, सपोज करो होलसेलर है, और रिटेलर को ले लेते हैं, डी को भी लेना पड़ेगा फिर हमें। देखिएगा क्या भैया सबों के चेहरे पे स्माइल ला दिया आपने? हाँ जी, ये प्रॉफिट कमा रहे हैं तो स्माइल तो बनी रहेगी इन ओके। देखते हैं एक बार, तो मिस्टर ए ने 10,000 रुपए का रॉ मेटेरियल बी को बेचा जिसपे 10% का जीएसटी लगा दिया, कितना का पड़ा? मिस्टर बी को कितना का पड़ा? 11,000 का। अब इन्होंने बेच दिया इस मेटल को, बेच दिया सपोज करो 10,000 रुपए के रॉ मेटल को, खाली हम रॉ मेटल की कॉस्ट ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, अगर थोड़ा सा बता रहे हैं, अगर कॉमर्स में आपने पढ़ाई होगा अकाउंट्स में, इसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब बी ने इस 10,000 के मेटल को
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा और अपने प्रॉफिट वैल्यू को ऐड करने के बाद इसको बेच दिया। सपोज करो इस बच्चे को बेच दिया, सी को बेच दिया 15,000 में, तो भाई अब क्या होगा? तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक टैक्स पे करा था, कितना? 1,000 रुपए का जीएसटी ए को दिया होगा। भैया ये क्या करेगा इस टैक्स को? इस टैक्स को ये गवर्नमेंट को सबमिट करा देगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा, ये इसके लिए लायबिलिटी है, ये इसको डिपॉजिट करा देगा। अब मिस्टर बी ने जो 1,000 रुपए का टैक्स इनको पे करा है, जिसको हमने क्या बोला इनपुट, और मिस्टर बी ने सी को सामान देगा 15,000 का, जिसमें इन्होंने सी से इन्होंने क्या ले लिया? टैक्स ले लिया। सपोज करो 10% का रेट लेके चल रहे हैं, सपोज कितना बन गया? 1,500 रुपए टैक्स का अमाउंट बन गया। 1,500 रुपए जो टैक्स का अमाउंट बना, बी ने कितना टैक्स लिया है? बी ने टैक्स लिया है 1,500 सी से, और दिया कितना है टैक्स इनने? 1,000 रुपए। इसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी, इसे बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। सपोज इसको इनपुट का क्रेडिट मिल रहा है, गवर्नमेंट कहती है बी से, क्या बोलेगी गवर्नमेंट कि भाई बी एक काम करो, आपने 1,000 रुपए ए को टैक्स दिया था और आपने सी से कितना लिया टैक्स? 1,500। तो आप अपने इस 1,500 रुपए में से 1,000 रुपए को अपने पास रख लो, अब बाकी कितना बचा? 500। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई बी आपने जो टैक्स पे करा है ए को वो इनपुट था और हम इनपुट का क्रेडिट अलाउ कर देते हैं अगर आप पे आउटपुट टैक्स है तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बी आपने सी को जब सामान देखा वो 15,000 का देखा था, 15,000 में आपने जो टैक्स का अमाउंट जो बना आपका 15,000 में, 15,000 का आपका 10% 1,500, आपने टोटल वैल्यू कितनी ली इससे? 16,500 सी से। तो बी से क्या कहा गया? भाई आप 1,500 रुपए में से इस 1,000 रुपए को अपना एडजस्ट कर लो, देन 500 जो आप पे बचा हुआ है वो गवर्नमेंट को जमा करा दो। तो बी की पॉकेट से टैक्स कितना गया? जीरो। पहले कितना गया था? 1,000, लेकिन हमने क्या कर लिया? आगे से एडजस्ट कर लिया। अब इस टैक्स का बटन किस पे? सी पे। क्या भैया सी पे ही है? यस, अभी तक सी पे ही है। जब तक सी इस प्रोडक्ट को आगे सेल नहीं करता जब तक इस पे बटन रहेगा। तो देखिएगा इसने सी ने इसको सेल कर दिया, 15,000 रुपए का जो सामान खरीदा इसको सेल कर दिया 20,000 रुपए में। तो भैया सी ने कुछ टैक्स पे करा था इनपुट? यस, सी ने इनपुट पे करा था। सी ने कितना पे करा था? बी को 1,500, जो कि सी के लिए क्या है? इनपुट। और इसने किसको कितने का बेचा? डी को सामान कितने का बेच दिया? 20,000, और जीएसटी बिल के साथ सपोज करो 10%, ये आ गया आपका 2,000 रुपए जीएसटी का अमाउंट टैक्स आ गया। तो टोटल इन्हें 22,000 का बेचा है, जिसमें 20,000 इसकी सेल वैल्यू है एंड एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और 2,000 रुपए टैक्स है जीएसटी का। तो टोटल मिला के बिल बनाया होगा 22,000 का। तो अब सी ने कितना टैक्स लिया है आगे से? सी ने लिया है आगे बेकर डी से 2,000 रुपए का टैक्स। अच्छा भैया, और सी ने पे कितना करा था? 1,500। तो सी के लिए ये 1,500 क्या है? इनपुट। और सी के लिए क्या है? आउट। ये 2,000 रुपए क्या है? आउटपुट, जो कहां से आया? आगे सेल करके कस्टमर से लिया है। तो भैया अब यहां पर क्या होगा? सेम गवर्नमेंट कहेगी भाई सी आपने जो टैक्स पे करा था बी को वो आपका इनपुट था, और आपने डी से जितना टैक्स लिया है वो आपका आउटपुट है, और हम आपको इनपुट का क्रेडिट दिला देंगे, इनपुट का क्रेडिट दिला देंगे। अब इसके कुछ प्रोसीजर होता है वो टैक्स के अंदर है, वो हमने डिस्कस नहीं करना है। तो 1,500 रुपए का एडजस्टमेंट सी को मिल गया। तो 1,500 रुपए सी ने 2,000 रुपए जब लिए, सी ने 1,500 रुपए एडजस्ट कर लिए जो 2,000 रुपए डी से लिए हैं, तो सी के पास कितना टैक्स बचा? 500। क्या सी का टैक्स एडजस्ट हो गया? यस, इसका बटन किस पे? स्टमक डी पे आ गया। अब लेकिन सी ने कितना एक्स्ट्रा ले लिया टैक्स? 1,500 पे करा था भैया, 2,000 इन्हें ले लिया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 500। अभी गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि ये सी की पॉकेट से कुछ भी टैक्स नहीं गया है, ये 500 रुपए का जो ये जो एक्स्ट्रा जो है ये भी इसने किससे लेके दिया? डी से। तो अभी 2,000 का बटन किस पे है? अभी भैया 2,000 रुपए का बर्डन अभी डी पे ही है। क्या डी आगे इसको सामान को बेचेगा? बिल्कुल। डी कौन है हमारा? डी हमारा रिटेलर है, और रिटेलर किसको बेचेगा? कस्टमर को, ये एंड यूजर है। अब इसने इसको बेच दिया 25,000 का सामान, भैया 25,000 का, यस, इन्हें टैक्स ले लिया 10% के हिसाब से, कितना आ गया? 2,500।
चलो भैया 30,000 को रखते हैं, वरना आपको लगेगा 500-500 रुपये का ही अमाउंट आना है। 30,000 रुपये का इसने सेल कर दिया इसको और 10% जीएसटी के साथ, तो बिल बनाया होगा 30,000, तो ये 3,000 रुपये का जीएसटी, तो टोटल बिल बना होगा 33,000 रुपीज़। ये 33,000 रुपीज़ जो टैक्स बना है, अब इसका देखते हैं डी ने क्या करा, पे कितना करा इनपुट, इनने पे करा इधर 2,000 रुपये, डी के लिए क्या है इनपुट है। और भैया आउटपुट, अब आउटपुट इसने डी ने रिटेलर को बेचा है, रिटेलर जो डी है उसने कस्टमर को बेचा है 30,000 का, और उसने कितना टैक्स लिया है, जैसे रिटेलर ने कस्टमर को बेचा उसे 3,000 रुपए टैक्स के ले लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, रिटेलर आपने कितने का टैक्स आपने डिपॉजिट कराया था, इनपुट कितना दिया था आपने 2,000 रुपए, किसको पे करा था आपने सी को, और आपने लिया कितना कस्टमर से 3,000 रुपए, ये जो कि इसको हम क्या बोलते हैं सी के लिए, डी के लिए क्या है आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी। अब गवर्नमेंट कहती है इस 3,000 रुपए में से अपना टैक्स रख लो, इसको एडजस्ट कर लो, कितना एक्स्ट्रा ले लिया आपने 1,000, हाँ 1,000। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, इस 1,000 रुपए को आप हमें सबमिट करा दो, तो इसका मतलब है यहां पर इसने जब टैक्स इससे लिया तो बर्डन अभी बी पे था, जैसे बी ने सामान सी को बेचा तो टैक्स का बर्डन किस पे आ गया, सी पे, क्योंकि उसको इनपुट का क्रेडिट मिल रहा है। जैसे सी ने डी को बेचा तो अब बर्डन किस पे, अभी जब तक डी पे है, लेकिन जैसे डी ने कस्टमर को बेचा तो टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया, ई पे, और ई हमारा कौन है, इसको हम बोलते हैं एंड यूजर या कस्टमर, एंड यूजर। क्या भैया ये कस्टमर किसी को बेचेगा, नहीं, अगर कस्टमर किसी को बेचेगा तो ये एंड यूजर नहीं है, एंड यूजर फाइनल यूजर यही है, और यही फाइनल प्रोडक्ट का एंड यूजर है, और इस एंड यूजर पे ही इस 3,000 रुपए टैक्स का बर्डन किस पे पड़ा, एंड यूजर पे। तो भैया ये कौन सा टैक्स हो गया, इसका नाम रख दिया हमने इनडायरेक्ट टैक्स। ये मैं एक थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हमने, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक ऐसा टैक्स जिस टैक्स का बर्डन आगे शिफ्ट होते 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 एंड यूजर पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। भैया इसको डिफाइन कैसे लिखेंगे, इसकी डिफाइन लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस टैक्स का बर्डन एंड यूजर पे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो भैया क्या लिख सकते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स मींस अ टैक्स द इंसिडेंस द बर्डन, या इंसिडेंस की जगह बर्डन यूज कर सकते हैं, बर्डन द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्ट टू एंड यूजर, एंड द बर्डन ऑफ दिस टैक्स वॉज एंड यूजर, एंड जितने भी बीच में जो चैन थी वो उस टैक्स को बर्डन को शिफ्ट करती जा रही है एंड यूजर पे, तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। भैया इनडायरेक्ट टैक्स की कोई ऐसे, इनडायरेक्ट टैक्स भी कई तरीके के होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, क्या भैया हमें उसको भी समझना पड़ेगा, हाँ जी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उनकी वर्डिंग क्लियर और एग्जाम्पल्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इनडायरेक्ट टैक्स, देखिएगा ऐसा पूछ सकता है वो, देखते हैं। भैया पहले जीएसटी से पहले की बात कर लें, हाँ जी पहले जीएसटी से पहले की बात कर लें, क्यों भैया जीएसटी तो अभी लेटेस्ट है, उसी को पढ़ना चाहिए हमने, लेकिन हमारे सिलेबस में जीएसटी से पहले के जितने भी टैक्सेस थे उनके रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत एग्जांपल दे रखे हैं बुक में, और वो सिलेबस में पहले का ही है, तो इसलिए उसको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। भैया जैसे सर्विस टैक्स भैया सर्विस टैक्स क्या होता है, पहले जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, जब पेड सर्विस होती है, जब किसी प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा सर्विस हो जाती थी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो एक आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था सर्विस टैक्स के अंदर, सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर, तो उसके अंदर सर्विस टैक्स आपका इंप्लीमेंट होता था, जो तो उनको सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, किससे, कस्टमर से लेके, उसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। जितने भी हम सर्विस लेते हैं उस पर जो टैक्स दे रहे हैं, जैसे भैया एडवोकेट की कंसल्टेंसी, उसने एक बिल बना के रख दिया, अब तो जीएसटी चार्ज कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। एक हो गया एक्साइज ड्यूटी, भैया एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ये भी एक्साइज ड्यूटी एक ड्यूटी होती है, जैसे हम एक्साइज ड्यूटी के एक्ट जो कहता है आपका, ये कहता है कि आप किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसका मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस पर टैक्स लगेगा। भैया जैसे मैं सुबह मिल्क लाया, उसको टी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया प्रोडक्शन, कि भैया आपने भी प्रोडक्शन कर दिया, यस मैंने भी प्रोडक्शन कर दिया, कि भैया आप एक्साइज ड्यूटी पे कर देते पहले, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने कभी 100 करोड़ की चाय बनाई नहीं किसी साल में, ये खाली उन्हीं प्रोड्यूसर्स पे लगता था जो प्रोड्यूसर्स एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग, ये 100 करोड़ से ज्यादा की 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग होती थी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उन पर यह टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी। तो भैया जो चाय सीसीडी बनाता है, अगर वो फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा की बना रहा होता तो उस पर भी टैक्स लगता। तो ये हो गया प्रोडक्शन पे टैक्स लगता था, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन प्रोडक्शन। भैया
टैक्स ऑन प्रोडक्शन, यस टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ये टैक्स किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। कि भाई हमें और कहीं मिल देखने को मिल सकता है ये, यस आप जब नेशनल इनकम करोगे तो उसमें कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स की जगह वर्ड लिखा है टैक्स ऑन प्रोडक्शन। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम एंड यूजर से कलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स टैक्स हमने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया लेकिन जब सेल करेंगे तो एंड यूजर से उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। कि भैया इनपुट का क्रेडिट कैसे मिलता है, वो हमारे सिलेबस में पार्ट नहीं है, तो वो आपका आगे ग्रेजुएशन में डिस्कस करेंगे उसको। भैया सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, और भैया और कोई सा भी टैक्स होता था, यस सेल टैक्स। भैया सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स दो तरीके का होता है, एक लोकल सेल टैक्स और एक इंट्रा सेल और इंट्रा और इंटर सेल। भैया इसमें क्या होता है देखते हैं एक बार, एक होता है इंट्रा सेल, इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल, और होता है इंटर स्टेट सेल। इंटरस्टेट मैं भी दिल्ली, बायर्स भी दिल्ली में और सेलर्स भी दिल्ली में, तो विद इन स्टेट सेल हो गई, हाँ जी भैया ये तो लोकल सेल हो गई, लोकल एरिया में सेल हो गई, यस इसीलिए इसको बोलते थे लोकल टैक्स, लोकल सेल टैक्स, जिसको हम बोलते थे वैट। अच्छा भैया वैट, इसे लोकल सेल टैक्स। भैया एक और, हाँ जी कौन सा, मैं दिल्ली में आप यूपी में, मैं दिल्ली में आप यूपी में, सेलर्स यूपी में और बायर्स दिल्ली में, तो भैया एक स्टेट्स के बीच में दो स्टेट्स, दो स्टेट्स, तो उस पर एक टैक्स लगता था, दैट इज कॉल्ड सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, और उस पर लगता था वैट लोकल टैक्स, जैसे भैया लोकल टैक्स जैसे वैट। अब इसको भी डिस्कस करेंगे, ये हमारा ज्यादा डिटेल में पार्ट डिस्कस करने वाला नहीं है क्योंकि अब एग्जाम में हमारे खाली ये ऐसे आइटम्स मिलेंगे हमसे, ये पूछेगा आप ये बताइए कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपको पता है सेल टैक्स आ जाए या वैट आ जाए या सीएसटी आ जाए तो वो आपके कौन सा पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। भैया इसके अलावा भी और कुछ है, यस इसके अलावा भी एक टैक्स होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस और कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका कस्टम, कस्टम ड्यूटी, हम इसकी जगह सेल टैक्स की जगह लिख लेते हैं वैट एंड सीएसटी कस्टम ड्यूटी। भैया कस्टम ड्यूटी क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, आपने देखा होगा पहले क्या होता था, पहले प्रिंसली कोर्ट होते थे, राज दरबार वगैरह होते थे, तो ऐसे माना जाता था कि जो भी कोई व्यक्ति अपने जब भी कोई बाहर जाएगा घूमने के लिए तो कुछ ना कुछ जो राजा होगा वहां का उसके लिए भी थोड़ा बहुत परचेस करके लाएगा, तो उसको कुछ गिफ्ट के तौर पर देगा, तो वहीं से नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब भी आप दूसरी कंट्री से कुछ खरीद के लाओगे तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा कस्टम ड्यूटी, वो किसको दोगे, अब यहां पर राजा तो रहा नहीं, अब कौन रहेगा, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करने का, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट मींस सपोज करो ये मार्कर हमने जापान से परचेस करा है सपोज, तो इस पर जितना भी मैंने परचेस करा उस पर कुछ टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया, उस टैक्स में को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, एक कस्टमरी की तरह कस्टमरी कस्टम ड्यूटी वहां से बन के आई है। अगर भी हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी ड्यूटी, तब भी उस पर टैक्स लगता है, तब भी उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये किस पे लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, भैया लेकिन अब तो जीएसटी आ गया, यस जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ मर्जर ऑफ ऑल दीज टैक्स, जीएसटी इन सब टैक्सों का मर्जर है एक्सेप्ट दिस वन, खाली इसको छोड़ के फिलहाल, क्यों भैया, क्योंकि जीएसटी पहले से लोग डर गए थे स्टार्टिंग में, और जीएसटी जब इंट्रोड्यूस कर रहा है तो पहले से बहुत मार्केट में उसको लेके एक रूमर से फैली हुई थी कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का टैक्स है, जबकि ऐसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा उसको वाइड करने की बजाय थोड़े बहुत टैक्स को मर्ज कर दिया, अभी कुछ टैक्स के पार्ट जैसे कस्टम ड्यूटी को अभी प्रॉपरली मर्ज नहीं करा है, ये मर्ज नहीं करा है, उसका लॉजिक क्यों है, क्योंकि वो वाइड हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स लगेगा लोगों को, तो इसलिए स्टार्टिंग में लोगों को फैमिलियर करना था जीएसटी से, जिसकी वजह से हमने कस्टम ड्यूटी को उसमें ऐड नहीं कराया अभी। भैया फिर कस्टम को मतलब देखते हैं, बाकी सारे इन टैक्सों को एक मर्ज कर दिया, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी एक्सेप्ट दिस वन, द ऑल द टैक्स आर मर्ज इनटू वन टैक्स इज कॉल्ड जीएसटी। और जीएसटी क्या है भैया, किस जीएसटी लाए क्यों, क्योंकि ये टैक्स जो है इनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ कमी आती है इनके कुछ डीमेरिट्स से, जैसे कास्केडिंग इफेक्ट्स। भैया कास्केडिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, सपोज मैंने 100 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीदा और ये 10 रुपये का इसका टैक्स मैंने पे करा, सपोज करो 110 का मुझे पड़ा और मैं आगे किसी और को बेचने वाला हूँ, सपोज करो 150 का, लेकिन ये इनपुट मैंने टैक्स पे करा है, मेरे को आउटपुट का क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो लोग क्या करते थे, जैसे ये उसको आगे एडजस्टमेंट नहीं मिली
देखने 110 रुपए का मेरे को ये पड़ा है, और गवर्नमेंट मैंने एक ऐसे पर्सन को सेल करा है जो अनरजिस्टर्ड है, जिसको जीएसटी भी नहीं दिया मैंने, या किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर लिया। सपोज करो मैंने 100 रुपए का कोई माल खरीदा और रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है 10 रुपए का, और मैंने आगे सेल करा है किसी को और वो अनरजिस्टर्ड है, तो मेरे को इनपुट का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, या आगे मैंने किसी को सेल करा तो यहाँ पर 10 रुपए मेरी पॉकेट से गई और आगे मैं ले नहीं पा रहा। तो क्या करते थे लोग, इसको ऐड कर लेते थे कॉस्ट में, और फिर कॉस्ट में ऐड करने का मतलब है अब इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड कर लिया, सपोज करो 40, अब टैक्स लगाया मैंने 150 रुपए पे 10% टैक्स लगा लिया, तो वो टैक्स के ऊपर टैक्स जाता था, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। देखने में बहुत कम लगता था टैक्स, लेकिन एक्चुअल में टैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, टैक्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। एक कस्टमर को ये नहीं पता होता कि मैंने जितना टैक्स पे करा है और जितना एक्चुअल में टैक्स है क्या वो सेम है या नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। इस ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए जीएसटी को लाया गया, और जीएसटी किस पे बेस्ड है, जीएसटी इज बेस्ड ऑन वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी, एक राष्ट्र है तो एक जैसी सभी स्टेट्स की पॉलिसी टैक्स को लेकर सिमिलर होनी चाहिए, ताकि टैक्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी, टैक्स को समरूप रखा जा सके। आगे डिस्कस करते हैं टैक्स के अंदर हमारा, अब इसके अंदर अभी और चीज डिस्कस करते हैं भैया, और हाँ जी टैक्स के अंदर और चीज डिस्कस करने वाले हैं भैया, टैक्स इतना ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा, बेसिक सा जो हमारा ऊपर का थोड़ा सा ओवरव्यू रहेगा टैक्स को लेके। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, भैया रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स वो होता है, एक बार देखते हैं रिग्रेसिव टैक्स क्या है। सपोज करो मिस्टर ए ये मिस्टर ए देख रहा हूँ बहुत खुश है क्योंकि रिच है ये, और मिस्टर बी अच्छा इनको तो स्माइल नहीं देनी क्योंकि ये बहुत पुअर है, देख रहे हो आप चेहरे की स्माइल ही बता रही है कि ये बहुत रिच है और ये बहुत पुअर है। भैया ऐसा टैक्स जिस टैक्स का बर्डन इन लोगों पे ज्यादा और इन लोगों पे कम हो, वो टैक्स कौन सा होगा, रिग्रेसिव। भैया ऐसे कैसे बोल सकते हो, एक बार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो मिस्टर ए जो है एक हाईली इनकम ग्रुप वाले पर्सन है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, लेट अस्सुम दैट इनकी इनकम हमने ले ली 50 लाख रुपए एनुअली, एनुअल इनकम जो इनकी ले ली हमने 50 लाख, भैया ठीक है पर एनम की इनकम है, और मिस्टर जो बी है इनकी इनकी एनुअल इनकम हम ले लेते हैं सपोज 2 लाख रुपए, ठीक है पर एनम एनुअल इनकम है, एक साल की इनकम है इन दोनों की, भैया ठीक है टैक्स का बर्डन इनों पे ज्यादा है। सपोज ये एक ऐसे पर्सन है जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, इनका ज्यादातर इनकम का मोस्टली इनकम खर्च हो जाती है किसमें, कंजप्शन पे, घर की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने पे। सपोज उसका इनकी 90% इनकम स्पेंड कर दी इन्होंने, मिस्टर बी स्पेंड हिज 90% ऑफ हिज इनकम ऑन द कंजप्शन एंड ऑन द टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में, तो इन्होंने कितना सेव कर लिया 10%, इसका 90% और 10% इन्होंने सेव कर लिया। सपोज 90% कितना हो गया 1,80,000, और बेसिकली 10% कितना हो गया आपका 20,000 भैया, ठीक है। बच्चे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसको समझने से पहले आपको कुछ दिखाना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्या बच्चों आप देख पा रहे हो, ये एक डॉम्स का मार्कर का बॉक्स है जो परचेज करा गया है, आपने एक देखा होगा एमआरपी के जस्ट बिसाइड एक कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसका मतलब ये है मिस्टर बी ने अपनी 90% इनकम खर्च कर दी है कंजप्शन पे, और जब भी सामान खरीदा होगा उसमें साथ साथ लिखा हुआ होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, क्या भैया ऐसा लिखा होगा, यस yes. जब उन्होंने मोस्टली जो प्रोडक्ट टैक्सेबल प्रोडक्ट है उसमें साफ साफ लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस।
भैया हम तो बोल रहे थे कि गरीब लोगों को गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है टैक्स से, नहीं गवर्नमेंट टैक्स ले रही है लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको हमने बोल दिया रिग्रेसिव। तो इसका मतलब है कि मिस्टर बी जो है 90% इनकम कर चुके हैं अपनी और उनकी 90% इनकम टैक्स हो चुकी है। क्या भैया ऐसा तो उसको पता भी नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन उसने टैक्स पे करा है। कौन सा टैक्स पे करा है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जब वो सामान खरीद के लाया हमने 1,80,000 रुपए खर्च करे, उसमें से कुछ 1,80,000 में से कुछ पार्ट टैक्स का भी था जिसने उस प्रोडक्ट पे खर्चा करा है। तो इसका मतलब मिस्टर बी की 90% इनकम टैक्स हो गई। यस, मिस्टर बी की 90% इनकम टैक्स हो गई। क्या भैया डायरेक्टली इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। और 10% ऐसी इनकम है जो टैक्स नहीं हुई। भैया डायरेक्टली टैक्स हुई है? नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इन्हें सामान खरीदने पर टैक्स, एंड यूजर है, क्योंकि मिस्टर बी एंड यूजर है, कंजप्शन कर रहा होगा तो उस पर टैक्स दिया होगा। और भैया मिस्टर ए बहुत स्माइल कर रहे हैं, यस, क्योंकि खुशी वाली बात इनके लिए ये है कि इन्होंने खाली इनकम का 20% इनकम इन्होंने खर्चा करा है और 80% इनकम इनकी पॉकेट में रखी हुई है, मीन्स बैंक में रखी हुई है, इनकी सेविंग्स है। ये सेविंग्स हो गई 80% और 20% इनका कंजप्शन पे खर्चा हो गया। सपोज इन्होंने खर्चा कर दिया है तो ये 20% जो इनकम खर्च कर रही है जो कि हमारा बन रहा है 10,00,000 रुपये, और 40,00,000 रुपये इनकी इनकम ऐसी है जिन्होंने सेविंग कर ली जिस पे कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हुई, जो इनडायरेक्टली टैक्स नहीं हुई, खाली 10,00,000 इनकम इन्होंने खर्च करी है, तो इनकी 10,00,000 ही इनकम इनडायरेक्टली टैक्स हुई। तो उसका मतलब भैया क्या हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ टैक्स इसका ही ज़्यादा होगा क्योंकि इन्हें 10,00,000 खर्च करा है, लेकिन प्रपोर्शन वाइज देखा जाए, इनकम का प्रपोर्शन को मेजर करा जाए, तो मिस्टर ए की खाली 20% इनडायरेक्टली टैक्स होती है जबकि मिस्टर बी की 90% इनडायरेक्टली टैक्स हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टैक्स का बर्डन बी पे ज़्यादा है और ए पे कम है। भैया और कोई एग्जाम्पल? यस, सपोज अनंत अंबानी, एक कुरकुरे का पैकेट चलाते हैं, सपोज करो 100 रुपीज का, उस पर टैक्स का अमाउंट बन रहा है सपोज 10 रुपए, और मिस्टर आशीष एक पैकेट वो भी लाते हैं 10 रुपए का, 100 रुपए का, जिसपे भी टैक्स कितना है 10 रुपए, लेकिन क्या 10 रुपए की सिग्निफिकेंस, 10 रुपए की जो इंपॉर्टेंस है, क्या मिस्टर अंबानी और मिस्टर आशीष के लिए दोनों के लिए सेम होगी? द आंसर इज नो, बिकॉज द 10 रुपए की जो परचेजिंग पावर जो है वो उसके लिए इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रखती जितनी मिस्टर आशीष के लिए रखती है। 10 रुपए की उसके लिए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है इस पर टैक्स का अमाउंट तो कम है, इधर टैक्स का अमाउंट ज्यादा बनेगा, लेकिन प्रोपोर्शन वाइज देखा जाए तो 90% इनकम इनडायरेक्टली टैक्स हो रही है मिस्टर बी की जबकि मिस्टर ए की इनडायरेक्टली इनकम टैक्स हो रही है खाली 20%। इसलिए इस टैक्स को क्या बोल दिया हमने? ये रिग्रेसिव है। तो रिग्रेसिव टैक्स कौन सा हो गया? जिस टैक्स का बर्डन गरीबों पे ज्यादा अमीरों पे कम, वो टैक्स रिग्रेसिव। तो भैया इसका कोई एक दूसरा वाइडली अगर कुछ सही कंक्लूजन निकाले तो क्या बोल सकते हैं? जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो रिग्रेसिव हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं वो रिग्रेसिव हैं क्योंकि इन टैक्स का बर्डन गरीबों पे ज्यादा और अमीरों पे कम। तो ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर बिकॉज द बर्डन ऑफ दिस टैक्स इज मोर ऑन द रिचर पुअर सेक्शन एंड लेस ऑन द रिचर सेक्शन एंड दैट्स व्हाई दिस टैक्स इज कॉल्ड रिग्रेसिव। एंड सेकंड इज प्रोग्रेसिव टैक्स। भैया अब क्या होने वाला है? अब गरीबों के चेहरे पे स्माइल और अमीरों के चेहरे पे थोड़ा उदासी, देखते हैं ये क्या है। अच्छे दिन आ गए हैं। चलो डिस्कस करते हैं एक बार फिर। अब डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। भैया प्रोग्रेसिव टैक्स? यस, प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील और रिग्रेसिव को बोलते हैं प्रतिगामी। डिस्कस करते हैं रिग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं। भैया यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? अभी जो लोग हैं इनों के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल कम रहेगी। और जबकि अब ये है रिचर सेक्शन ए, वही एग्जांपल, और बी द
देखिएगा, अब इसकी इनकम है 10 लाख और सपोज करो इसकी इनकम है 2 लाख। गवर्नमेंट कहती है जिसकी इनकम ज्यादा है हम उसी से टैक्स लेंगे और जिसकी इनकम कम है हम उसको टैक्स नहीं लेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है चलो हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे क्योंकि आपकी इतनी इनकम नहीं है, टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो इसलिए हम आपका टैक्स नहीं ले रहे, हम टैक्स लगा ही नहीं रहे, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इस टैक्स का बर्डन पुअर पे नहीं होता या होता है तो कम होता है और रिचर पे इस पर टैक्स का सपोज करो एग्ज्यूम कर लेते हैं हम 20% टैक्स रेट, वैसे स्लैब चलते हैं लेकिन हम हमारा टैक्स का पार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के थ्रू हम 20% का रेट लेते हैं। 20% टैक्स है तो कितना अमाउंट आ गया, 20% टैक्स के अमाउंट के हिसाब से आ गया इसका 2 लाख रुपये टैक्स। 2 लाख रुपये से टैक्स देना पड़ेगा, 8 लाख रुपये इसके पास बच गए। अगर भैया किसी की इनकम 50 लाख हो तो उसका 50 लाख अगर इनकम हुआ तो 20% कर लेंगे तो उसका 10 लाख टैक्स हो जाएगा। जितना ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा टैक्स बढ़ता चला जाएगा। और कुछ लोगों को जिनकी टैक्सेबल इनकम से एक लिमिट से कम इनकम होगी उस पर गवर्नमेंट कहती है हम आपको वेव ऑफ, आपको एग्जम्पशन, इसको टैक्स से बाहर कर रहे हैं, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो ऐसे टैक्स जिसका टैक्स का बर्डन कुछ रुपये होता ही नहीं या फिर कुछ लोगों पे इनकम के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी इनकम कम है तो उस पर कम टैक्स 2 लाख का, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उस पर टैक्स ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जांपल में 10 लाख आ रहा है। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स आर दोस टैक्स द बर्डन ऑफ दिस टैक्स इज मोर ऑन द रिचर सेक्शन एंड लेस ऑन द पुअर सेक्शन, ऐसे टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। अब बाकी के टॉपिक्स हम बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।